जब जब ऐला सा सूरज अब राज हवा में कि हमारे बेटा तो बालक है, इसके बेटा जवान है, कुछ ना कुछ बाग में मिस्टेक कर दिया होगा, तो इसको ये तो धर्म नहीं चाहिए कि मैं मार को इसको मैं बदला चुकाऊंगी। बताइए स्वामी, स्वामी आप देखिए सासुर जी, मैं ये कहती हूं क्या वो नहीं रूदला हमर देवर जी भैया पर हाथ उठैला ओ कर बेटा जाननी ले ले हमर बेटा पर हाथ जी उठाए छोटे की जे गोतनी हमारे हाथ ले आता धने जकिया ससुर होई तैया बाद में कहो जब ना जाना तने हे अच्छा बतावा ये ससुर जी की आज तक छोट भाई के हाथ में आके बड़ भाई पर हाथ उठा चाहिए, आज तक हमारे देवर जी अपने भैया पर हाथ नहीं उठेलन, छोट भतरी होके हमरा के मारी गारियाई बहुत का तोर से कही पहले तू मरला था ना आ तोर बेटा हमर बेटा के मरला जनता कही है ते बाबूजी ना कही सामने मर लो जी। येलो येलो बहुआ आपस में लड़ रही है, एक भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुनो बहुआ, तुम लोग पट बंदी नारी है, क्यों कट के भीतर रहती है कहीं बाहर नहीं आती है, तुम लोग क्या जानेगी। ए बेबन ये सुना घोड़ा खरीदे दे बरती रहीना काबुला में घोड़िया के दिया न देखे दे बर ले आई न हमार तो घोड़ा तो खरीदे दी गई लहल राज ओए भाई के लाल हमर मारी गए बखाती ए देवा जी तुम्हें क्या कमी आज चेतना तो मानी दे बर हम तुहरा प्रेम लेते हुए रह गया और उसे बिया करके लेला हमरा के भूल गया देवर जी तेरा प्राण से कम भूल है गया हूँ काबुल में घोड़ा खरीदने के लिए सही नहीं गया था ऐसे नहीं लग गया सही बात है लेकिन हमने के पैसा खर्चे कर दिया आप क्या बनता आप क्या बनता रहो काम है मेरे बात को सुनो मेरे बात इसने मैं सुनने देखे तू उकड़े फूले रान में उकड़े पैसा फुला दे तो जल्दी से बता बारा बार सामी जी अब तेरा बाबू ही सेनिया से सभी
बेचारी बेचारी बनी हुई है, भाभी को लगती हूँ कि मैं किसको मैं समझाऊ, कौन हमारे बात को मानेगी। मैं सब बात को सुना, बेटा ला सरदार समझदार है, रुदन तो तपाकी, लेकिन सुनो बेटा रुदन, बेटा ला सरदार बोलिए। दामनो किला के रजाओ सुनता है कि राजमहला का नाम थर थर कांपता है बेटे। बंटवारा में कमजोर हो जाएगा, लेकिन भाभी क्या करती है सुनो। भाभी को बात को मैं नहीं मानूंगा, मैं कहता हूँ सुनो बंटवारा नहीं होगा। कि आप घोड़ा खरीदने के लिए गए तो हाँ लेके चल गए, आप घोड़ा को भी आने दे दिए, ये हुआ नारी नारी होती है नारी। लेकिन सुन ले, जब ये हमने पिता को तो मारो गहने लेने के लिए गया था, हाँ जय सुनाए ने कन्या को बहन पिछमा, हाँ यही रानी फूला जन्म लिया मोरी, आप लोग कट रहे थे। हाँ मैं था समझो, उस समय ने पिछमा कही थी कि दूसरा आप काटिए, मैं जाकर नरबल गहने जन्म ले लू। ये क्या बोलती है, क्या बोलती है? सुनो बेटी फूला, बेटी सोना लड़ाई मत करो, मेरे बात को मानकर अपने अपने महल को जाओ। समान बात ना हो, जैसे पहले यही कहते रहो, रोहन खत्म हो गई थी दूसरे में तुमको मोरी ना बोले थे, जैसे पहले रह रही थी उसे रहो। ठीक है करो दीवानी, ए देवर जी हमने कहता नहीं, अरे माना आज भी तू दूसरा था हम भी ना दूसरा। बात को छोड़ो, अपने अपने महल को जाओ। ठीक है अपने महल के बैठती हूँ, इंसाफ कर दीजिए। नहीं क्या चलो आप आए हो रात तनाव, हाँ बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात है, जाओ लड़ाई समाप्त होगा, यही समाप्त होगा, क्यों नहीं पंच बोलवा जी, क्या इन अगर अधिन हवा से कह के लिए आधे आधे दे दबा, नहीं नहीं होगा, ए महा
बात ठीक है, इधर नहीं बात को मर रहा है, हथेला बना हुआ है। सुनो दुदाल आए और मन खान के बुला दे कोई राजस रसास है, और बेटो फिर मन खान के बुला दे कोई सिर सास है, ताकि मोहब्बत के झगड़ा खत्म हो जाए। अरे मलका बुला दे तरह कोई राज सिर सास है, ताकि मोहब्बत के झगड़ा सभी खत्म हो जाए, ताकि मोहब्बत के झगड़ा सब खत्म हो जाए। ए मन का बोलवा दे धर्म हुआ है। इस समय मेरा आदेश है कि मलखान को राज सिरसा से बुलवा दो। श्री इस समय भाई भी मलखान को खबर दिया गया है, खबर वो पहुंचती ही होंगे। अब खबर है, हाँ बिल्कुल खबर दिया हुआ है, जरूर मलखान आता होगा। लीजिए लीजिए चाचा श्री, नाम लेते ही भाई बीरबल खान पहुंच गए। खुश रहो भाई रुदल, कह दो कुशलिया भाई, कुशलिया भैया जी, आदि रात के कैसन कुशलिया रहल राज मोहरा के आज, आदि कहल खबरिया जी भैया। आल्हा जी, भाई बीरबल खान जी, कैसा कुशल है राज मोहरा के? मैं कुशल सुनने के लिए मैं चाहता हूँ। भाई बीरबल खान जी, आप एक समाचार होने का पूछते हैं तो ठीक है, कुशलिया है भाई, अब रहले राज जी मोहरा का, समाचार भी कुशल कुशल नहीं है, यहाँ भाई भाई में लड़ाई हो रहा है। धन्य भैया जी, जी। क्या बोलता है
सच्चे सच्चे हाल मौसी दे दे बतलाई, ए सच्चे सच्चे हाल मौसी दे दे बतलाई। आज ये ही लखवारी है तू मौसी जी, इस समय राज सिरसा में किस कारण खबर दिए हैं? ये राज महोरा के क्या खैरियत है मौसी, कहा सुनाइए। बेटा मैं क्या मौसी जी, क्या आप खबर जानने के लिए चाहते हो? हाँ हाँ मौसी जी, क्योंकि आपसे मेरा राज सिरसा में खबर गया है, यही कारण मौसी जी मैं आपके पास ये राज भवन में आया हूँ। बेटा सुनो, हेलो चारी मौसी जी, एक किया है भांगा, गुजर गया राज महान, मैं जुल्म का हाल क्या बताऊं? सीधी सुन लो, आज हालत लवा के बाप क्या ले जुल्मिया मौसी जी, अभी पड़ गए लो रात महला में, आप कौन चिद के जुल्मिया मौसी जी, अभी पड़ गए लो रात महला में, मौसी जी आज दे बतलाई, अरे क्या उसका जरूरत जी, बात बताइए मौसी जी। बेटा मलखान, क्या अगर इस मन बात तुम पूछते हो? हाँ तो जैसे पलक को हल बेटा,
मौसी, आज ऐसा मुसीबत मैं कभी नहीं देखी थी राजमोहबा में। मौसी जी, जैसा मुसीबत आज राजमोहबिया पड़ गया। मौसी जी, हमें ठेठ हिंदी में बताइए मौसी जी, क्या जुर्म पड़ गया है मौसी कि इस समय मुझे राज सिरसा से बनाए हैं। जी एक गोया माथा तिर देता क्या झगड़ा पट गए राज मोहबा में। क्या मौसी जी, झगड़ा पट गए राज मोहबा में। बेटा हरू दल आपस में गई लनहे लड़ाई। क्या बेटा हरू दल आपस में गई लनहे लड़ाई। अरे ही खबरिया अरे मैं गया था तोड़ने के लिए, एक लाख आम लाया राजमोहबिया। इसी बात का झगड़ा है बेटा, इसी बात में आल्हा रुदल झगड़ गया। बहु सोना इतना जिद मचा रही है राजमोहबा ने बंटवारा के लिए। भाई रुदल सुनिए, भैया आल्हा जी क्या कह रहा है बोलिए। एक गोयाम के खातिर भाई कर दिल भाई से लड़िया। भैया आल्हा जी आप एक गोयाम के खातिर भैया जी भाई भाई में कर दिल लड़िया। काहे सन बत्तिया यमुना के चलते भैया में लड़ा गया जी। अरे गोया माँ के ए भैया सुन ले आल्हा जी सरदारी। अरे गोया माँ के खातिर लड़ला भाई में रह प्रेम आज कैसन लो भाई में रह प्रेम आज मामा के खातिर जी। भैया आल्हा जी क्या एक काम के खातिर मुझे राज सिरसा से बुलाए हैं कि भाई भाई में झगड़ा हो जाएगा। नहीं भाई रुदल ऐसा नहीं होना चाहिए। होगा तो होगा, बंटवारा होगा तो होगा, नहीं होगा बहुत कठिन कैलन हमर मौसी राजे मोहबा में। भाई सुन ले आज फिर आज बलखा में देश देश में भाई और दुश्मन के मार ली। मौसी के दैली आज गातिया पियादी। अरे भाई भाई में लड़ल ए
मेरे साथी जी आज मेरा गद्दी पर बैठने लायक थे। बंटवारा होगा तो बंटवारा होगा नहीं होगा।